बाली रामायण का एक मुख्य पात्र वानर प्रजाति से वह किष्किंधा नगर का राजा था। उसके जन्म को लेकर कई प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं, जैसे कि कोई उन्हें अरुण देवता के गर्भ से जन्मा तो कोई राक्षस वृक्षराज के गर्भ से जन्मा मानते हैं, किंतु उनके धर्म पिता देवराज इंद्र थे। बाली का छोटा भाई सुग्रीव था जिसके धर्म पिता सूर्य देव थे। बाली बचपन से ही अत्यधिक बलवान व शक्तिशाली था। बाली का विवाह तारा नाम की एक अप्सरा के साथ हुआ था। तारा का जन्म समुद्र मंथन के समय हुआ था। जब देवताओं व दानवों के द्वारा समुद्र मंथन किया जा रहा था, तब बाली भी अपने पिता इंद्र देव के साथ समुद्र मंथन का कार्य कर रहे थे। समुद्र में से कई अप्सराएं निकली थी, जिसमें से एक तारा थी। बाली का उस अप्सरा के साथ विवाह हुआ था। बाली को स्वयं भगवान ब्रह्मा जी से वरदान स्वरूप एक हार मिला था, जिसको पहनने से उसकी शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती थी। इस वरदान के फलस्वरूप बाली जब भी युद्ध करने जाता, उसे सामने वाले प्रतिद्वंदी की आधी शक्ति प्राप्त हो जाती थी। अर्थात यदि बाली में 100 हाथियों का बल है, वह उसके प्रतिद्वंदी में 1000 हाथियों का, तो युद्ध के समय बाली को उसकी आधी शक्ति अर्थात 500 हाथियों का बल मिल जाएगा। इस प्रकार बाली की शक्ति 600 हाथियों के बराबर व उसके प्रतिद्वंदी की शक्ति केवल 500 हाथियों के बराबर रह जाएगी। इसी वरदान के कारण बाली अत्यंत बलशाली हो गया था व उसे हराना असंभव था। अपने इसी वरदान के कारण बाली ने जितने भी युद्ध लड़े, उसमें उसने विजय प्राप्त की। बाली को सामने से चुनौती देकर हराना किसी के लिए भी असंभव नहीं था, इसीलिए ही भगवान राम ने उसे छुप कर मारा था। बाली की पराक्रम की कथा स्वयं रामायण में लिखी हुई है। उसके बारे में लिखा गया है कि वह पहाड़ों के साथ एक गेंद के समान खेलता था। वह उन्हें अपने हाथों से इधर उधर कर देता था। प्रातः काल जल्दी उठकर वह अपनी किष्किंधा नगरी से पूर्वी सागर से दक्षिण सागर, फिर दक्षिण सागर से पश्चिम सागर तक जाता था। वह उसके बाद पश्चिम सागर से किष्किंधा नगरी तक आता था, लेकिन फिर भी उसे थकान अनुभव नहीं होती थी। बाली ने मुख्यतया 5 युद्ध लड़े, जिसमें से अंतिम युद्ध में भगवान श्री राम ने उसका वध कर दिया। दुंदुभि नाम का एक राक्षस था, जिसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। इसी घमंड में उसने समुद्र देवता को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन उन्होंने उसे पर्वत से युद्ध करने को कहा। फिर उसने पर्वत को युद्ध के लिए ललकारा, तब उन्होंने बाली से युद्ध करने को कहा। जब दुंदु भी बाली से युद्ध करने गया, तब बाली ने उसे पकड़कर मार डाला व अपने हाथों से उठाकर दूर फेंक डाला। उस राक्षस के रक्त की कुछ बूंदे ऋषि मतंग के आश्रम पर गिरी, जिस कारण ऋषि ने बाली को श्राप दिया कि वह उनके आश्रम के आसपास की एक योजन की भूमि पर आया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। उनका आश्रम ऋषिमुख पर्वत पर स्थित था, जहाँ बाली को जाने की मनाही थी। बाली की शक्ति का परिचय सुनकर रावण को उससे ईर्ष्या होने लगी। रावण स्वयं को इस पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली समझता था, इसलिए उसने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली ने रावण को भी हरा दिया व उसे अपनी काख में 6 माह तक दबाकर रखा। अपने इस अपमान से रावण बहुत लज्जित हुआ व उसने बाली से क्षमा मांग ली व उससे मित्रता कर ली। दुंदुभि के बड़े भाई मायावी राक्षस ने एक बार बाली को युद्ध के लिए ललकारा, तब बाली व उस मायावी राक्षस का महीनों तक एक गुफा में युद्ध हुआ। उस गुफा के बाहर उनका भाई सुग्रीव पहरा दे रहा था। जब उसका भाई बाली कई महीनों तक बाहर नहीं निकला, तो अपने भाई को मरा समझकर सुग्रीव गुफा के द्वार को एक विशाल चट्टान से बंद कर चला गया, ताकि वह मायावी राक्षस बाहर ना आ सके, किंतु उस युद्ध में बाली विजयी हुआ था। कुछ समय बाद बाली उस गुफा से निकल कर वापस आया व अपने भाई सुग्रीव को राज्य से निकाला दिया। बाली ने अपने भाई सुग्रीव का भरी सभा में अपमान करके निकाल दिया था व उससे उसकी पत्नी रुमा को भी छीन लिया था। सुग्रीव अपने भाई बाली से इसका प्रतिशोध चाहता था, इसलिए उसने भगवान श्री राम की सहायता ली। वरदान के कारण बाली से सामने से युद्ध नहीं किया जा सकता था, इसलिए श्री राम ने उसे छुपकर मारने की योजना बनाई। योजना के अनुसार सुग्रीव ने बाली को ललकारा, लेकिन दोनों में शरीर व व्यवहार को लेकर बहुत समानताएं थी, जिस कारण भगवान राम प्रथम युद्ध में बाली को नहीं मार सके। उस युद्ध में बाली ने सुग्रीव को बहुत मारा व सुग्रीव किसी तरह अपना जीवन बचाकर वहां से भागे थे। इस बार भगवान राम ने सुग्रीव की पहचान के लिए उसके गले में एक फूलों की माला पहनाई। इस बार के युद्ध में बाली की पहचान करना श्री राम के लिए आसान था।
जब बाली व सुग्रीव का भीषण युद्ध चल रहा था तब भगवान राम ने छुपकर बाण चलाकर उसका वध कर दिया। इस प्रकार बाली का अंत हो सका। जब बाली तीर लगने से घायल हो गया तब भगवान श्री राम बाकियों के साथ उसके पास आए। बाली अपने सामने भगवान श्री राम को देखकर अत्यंत क्रोधित हो गया व उस पर छुपकर वार करने का कारण पूछा। तब भगवान श्री राम ने उसके द्वारा किए गए अधर्म के कार्य बताए जो उसकी हत्या के कारण बने। बाली को अपने किए का पछतावा हुआ व उसने श्री राम से क्षमा मांगी। साथ ही उसने अपने पुत्र अंगद को भगवान श्री राम की सेवा करने को कहा। ये कहकर बाली ने अपने प्राण त्याग दिए। बाली की मृत्यु के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य भार सौंपा गया व बाली के पुत्र अंगद को किष्किंधा का राजकुमार बनाया गया। साथ ही भगवान श्री राम ने अंगद को अपनी सेना व कार्यों में महत्वपूर्ण स्थान दिया।